हाई एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल माई नेम इज़ मनदीप और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो है कोडिंग uh, प्रॉब्लम से रिलेटेड और आज हम पाइथन लैंग्वेज का यूज करके इस कोडिंग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे विद ओनली टू लाइंस ऑफ कोड सो आप uh, यू विल बी अमेज की पाइथन कितनी पावरफुल लैंग्वेज है कि सेम प्रॉब्लम को अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज में सोल्व करेंगे तो पॉसिबली डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपर्टीज लेवल तो आपको वो पांच या दस लाइन में लिखना पड़ेगा लेकिन आप पाइथन में सिर्फ दो लाइन के साथ सोल्व कर सकते हैं सो so, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं सो so, आज की प्रॉब्लम है लट्से वेलिड पेलिंड्रोम हमें बताना है कि क्या हमें जो स्ट्रिंग है वो हमारी वैलिड पेलिंड्रोम है कि नहीं वैलिड पेलिंड्रोम स्ट्रिंग वो होती है जिसको हम आगे से ट्रेवर्स करें या पीछे से ट्रेवर्स करें दोनों साइड सेम होती है जैसे कि आ, इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है आ, ए मैन कोमा ए प्लान कोमा ए कैनल कोमा पनामा सो बेसिकली इसमें बताया गया है कि आ, आपको पहले सारे अपर केस और लोअर केस लेटर्स को पहले लोअर केस में कन्वर्ट करना है और जितने भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं आपको वो सारे हटाने हैं उसके बाद आपको चेक करना है कि जो आपकी गिवन स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग पेलिंड्रोम uh, है कि नहीं जैसे कि उदाहरण के लिए ये मेरी एक गिवन स्ट्रिंग है तो इसमें क्या है कि इसमें पहले मैंने uh, इस स्ट्रिंग को जो है uh, इसमें से व्हाइट स्पेस और कोमा मैंने हटाया तो मेरी ये वाली स्ट्रिंग बन गई और फिर मैं इसको चेक करूंगा कि ये आगे और पीछे से दोनों साइड से सेम से है कि नहीं ऐसे ही दूसरा एक केस ये है जैसे रेस से कार अगर मैं इसमें से स्पेस हटा दूं तो मेरी ये वाली स्ट्रिंग बनेगी और अगर मैं इसको दोनों साइड से आगे से और पीछे से ट्रेवल्स करूं दोनों साइड से सेम से नहीं है तो दैट मीन्स कि ये मेरी पेलेंड्रोम नहीं है तो ये है हमारी प्रॉब्लम और कॉन्स्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कॉन्स्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी कोडिंग प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आ, हमें उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए आ, क्योंकि आ, अगर हम कॉन्स्टेंट्स को हल्के में लेंगे तो हमारा जो है प्रॉब्लम सही सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इसमें बताया है कि स्ट्रिंग की लेंथ एक हो सकती है और टू टू पावर टेन टू दू इन टू पावर फाइव तक की लेंथ की स्ट्रिंग होती हो सकती है दैट मीन की इतनी बड़ी स्ट्रिंग हो सकती है आपके पास और इसमें बताया गया है कि एस कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रिंटेबल एस्काई कैरेक्टर स कि सिर्फ सारे एस्काई कैरेक्टर्स होंगे प्रिंटेबल सो ये हमारी प्रॉब्लम है और मैं इस प्रॉब्लम को सिर्फ दो लाइन ऑफ पाइथन कोड के साथ सॉल्व करने वाला हूं आप देखिए तो सबसे पहले हमें बेसिकली हमारी स्ट्रिंग में से वो चीजें निकालनी जो हमें नहीं चाहिए मतलब कि जो नॉन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स हैं तो उसके लिए मैं एक लाइन ऑफ हमारी पाइथन लैंग्वेज में एक रेजेक्स मॉड्यूल को री मॉड्यूल आर लिखते हैं रीड रेजेक्ट मॉड्यूल आर ई सब उस मॉड्यूल में एक मेथड है सब एंड ये मेथड क्या करता है इसमें बेसिकली तीन पैरामीटर आते हैं फर्स्ट uh, पैरामीटर होता है हमारा बेसिकली हम किस स्ट्रिंग को रिप्लेस करने वाले हैं सेकंड पैरामीटर होता है किससे रिप्लेस करने वाले हैं और थर्ड पैरामीटर होता है हमारी कौन सी स्ट्रिंग है सो so, हमारा हमारी स्ट्रिंग है ये एस गिवन स्ट्रिंग इज एस तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया अपनी स्विंग को लोअर बना लिया और मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट पैरामीटर मेरा वो जाएगा जिसको मुझे रिप्लेस करना है मुझे इसमें रिप्लेस करना है नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को तो नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूंगा और जो कि बहुत ही सिंपल होता है उसके लिए मैं एक लिख देता हूं इसमें हमारा एक नेगेट का सिंबल होता है नेगेट का सिंबल होता है और मैं लिखता हूं इसमें ए टू जेड या फिर जीरो टू नाइन तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया इसमें क्या किया मैंने कि मेरे उन सब स्ट्रिंग्स को ये रेगुलर एक्सप्रेशन मुझे क्या बता रहा है ये रेगुलर एक्सप्रेशन मुझे बता रहा है कि ए टू जेड जो ड में नहीं है या जीरो टू नाइन में नहीं है और प्लस सिंबल हमें बताता है एक या एक से ज्यादा मतलब ए से जेड के बीच के जो भी करेक्टर हैं वो एक से ज्यादा बार भी आ सकते हैं और ऐसे जीरो से नो के बीच के करेक्टर वो एक से ज्यादा बार भी आ सकते हैं जो भी करेक्टर इन सब में नहीं है उनको दैट मीन्स की नॉन न्यूमेरिक को मैं सिर्फ एक ब्लैंक से रिप्लेस uh, कर रहा हूं और मेरी ये वाली स्ट्रिंग है ठीक है तो इस स्ट्रिंग को मैं अपनी एस uh, वेरिएबल में ही दोबारा से मैंने इसको असाइन करवा दिया और उसके बाद मुझे बस कुछ नहीं करना है मुझे बस चेक करना है ये वाली मेरी जो uh, ये वाली जो मेरी स्ट्रिंग है क्या ये मेरी स्विंग पीछे से भी सेम है तो पीछे से ट्रेवर्स करने के लिए पाइथन में एक बहुत ही इजी ट्रिक होती है सो so, हम इसमें कैसे करते हैं हम इसमें uh, ऐसे करते हैं जैसे कि लट uh, से मैंने एक वैल्यू यहां पे दी वन द सेकेंड वैल्यू टू और लेट्स से सॉरी लेट्स एंड यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे मैंने वैल्यू दे दी टू मैं पहले आपको समझा रहा हूं तो इसमें क्या होता है कि ये आपका स्टार्टिंग इंडेक्स होता है मतलब कि आपको एस uh, पे करना है एक से स्टार्ट करके दस तक जाना है और हर बार एक स्टेप साइज कितने का मतलब कि एक दो का है तो इसका मतलब क्या हुआ जब आप एक से स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट इंडेक्स जो उठाएंगे आप एक प्लस दो तीन तो हमें क्या करना है और पाइथन uh, में क्या होता है कि हम पीछे से भी ट्रेवल्स कर सकते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि हम अगर मान लो जो स्टार्ट ये जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है बेसिकली स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स पे अगर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें पूरा स्ट्रिंग एरे लिस्ट वो पूरी ट्रेवल्स होगी और अगर मैं लास्ट जो हमारा स्टेप साइज होता है उसके ऊपर माइनस वन लिख देता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि पीछे से स्टार्ट करो और स्टार्टिंग uh, तक तो जाओ पूरा ट्रेवल्स करो और मैं हर बार माइनस वन करते जाओ तो ये मेरे ये uh, ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा मेरे को रिटर्न करेगा स्ट्रिंग दैट मीन्स कि पीछे से ट्रेवल्स करके और स्टार्टिंग तक पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा और फिर मैं चेक कर रहा हूं कि क्या वो मेरी गिवन स्ट्रिंग एस के बराबर है तो इस लाइन का मतलब है मेरी गिवन स्ट्रिंग एस और मै मेरी रिवर्स uh, स्ट्रिंग क्या दोनों बराबर है अगर बराबर हैं जो भी है बराबर है तो रिटर्न uh, कर दे तो ये अगर बराबर होंगी तो ये ये जो एक्सप्रेशन है मेरे, ये मेरे को ट्रू देगा तो दैट मीन्स कि आई एम रिटर्निंग ट्रू और अगर नहीं है तो ये मेरे को फॉल्स देगा सो दैट्स इट सिर्फ दो लाइन का कोड और आपकी प्रॉब्लम डन एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वंडरफुल वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू